Assalamualaikum. Welcome back to Aysha's Kitchen. आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चिकन मायो रोल. देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए. चिकन आधा किलो बड़े क्यूब्स में काट लें, अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा धनिया 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, पिसा ज़ीरा 1 टीस्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून, ऑयल 2 से 3 टेबल स्पून, बंद गोभी हाफ कप बारीक काट लें, प्याज 1 अदद छोटे साइज़ की बारीक काट लें लंबाई में, शिमला मिर्च 1 अदद लंबाई में काटें, यह आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मायोनीज हाफ कप, केचप हाफ कप. केचप के लिए हमें चाहिए कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, सिरका 1 टीस्पून. सबसे पहले आटा गूंदेंगे. 2 कप आटे में 1/2 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून ऑयल डालकर अच्छी तरह मिक्स करें. अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएं और गूंदते जाएं. आटा तैयार है. अब इसे ढककर 25 से 30 मिनट के लिए रख देंगे. अब केचप में कुटी हुई लाल मिर्च और सिरका डालकर अच्छे से मिक्स करें. अब आ जाते हैं चिकन की तरफ. कढ़ाई में ऑयल डालकर उसको गर्म करें. अब इसमें चिकन डाल दें. और चिकन का कलर चेंज होने तक इसे फ्राई करें. अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें. दो मिनट इसी में फ्राई करें. अब इसमें सारे मसाले डाल देंगे. कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा धनिया, पिसा ज़ीरा, गरम मसाला, पिसी लाल मिर्च और नमक, ये सब डालकर अच्छे से मिक्स करें. अब इसमें 1/2 कप के करीब पानी डाल दें. अब इसे ढक कर इसका पानी खुश्क होने तक मीडियम टू लो फ्लेम में पकाएं. चिकन का पानी खुश्क हो चुका है और चिकन भी तैयार है. अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे. इसे तैयार होने में 10 से 15 मिनट लगे. अब आटे के पेड़े बनाएंगे.
तवे को चूल्हे पे रख के मीडियम फ्लेम में तवे को गरम करेंगे। अब एक पेड़ा लेकर उस पर थोड़ा सा आटा लगाएंगे और पेड़े को थोड़ा सा दबाएंगे। अब इसे बेलेंगे। इसको तो हम मोटा बेलेंगे। अब इसे उठा के तवे पे रख देंगे। अब इसे गरम गरम तवे पे रख देंगे और इसे एक साइड से अच्छे से सेंकेंगे। जब ये एक साइड से अच्छे से सेंक जाए तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसे सेंकेंगे। ये दूसरी साइड से भी सेंक चुका है। अब इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह दूसरा पेड़ा भी तैयार करेंगे। अब एक बटर पेपर लेंगे, उसके ऊपर रोटी रख देंगे। अब इस पे मायोनीज लगाएंगे। अब इस पे तैयार किया हुआ केचप सॉस लगाएंगे। आप चाहें तो सादा केचप भी लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर चिकन रख देंगे। अब इसके ऊपर बंद गोभी डाल दें। फिर शिमला मिर्च डाल दें। प्याज डाल दें। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा मायोनीज डाल दें। अब इसे रोल करेंगे। अब बटर पेपर के साथ रोल करेंगे। अच्छे से बंद कर देंगे। अब इसी तरह बाकी के रोल भी तैयार करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और इसे ट्राई करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मज़ीद रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। खुश रहें, मुझे और सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।